हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो गाइस यहाँ बहुत ठंड है और अभी सुबह के 5 बजे हैं और आना भी देखो उठ गई है। देखिए देखिए आयान जो है ये आना का टोपी पहन के कैसा लग रहा है। तो गाइस सुबह नहीं दिख रहा है, दिख रहा है मतलब दिखेगा ना, कभी ना कभी तो दिखेगा ना। तो गाइस हम लोग जिस होम स्टे में रुके हुए वहां से कंचनजंगा का व्यू दिखता है। तो अभी तो फिलहाल बादल से पूरा ढका हुआ है लेकिन दिन में कभी ना कभी तो खाली होगा ही, बस उसका वेट कर रहे हैं। और अब हम लोग उठ गए हैं, अंदर में मस्ती कर रहे हैं, बस सुबह चाय आने की वेट कर रहे हैं, चाय पीकर हम लोग। तो और क्या क्या मस्ती होने भाभी? बहुत मस्ती होगा, बहुत मस्ती होगा। तो गाइस हम लोग के साथ आप भी एक्साइटेड रहो नया नया चीज देखने का। तो अभी लोग यहाँ पे एक चीज और करने वाला है जो हम लोग मतलब सोचे भी नहीं, दिखाएंगे। हाँ दिखाएंगे, बस बहुत मजा आने मतलब हम लोग थोड़ा सा मस्ती करते हैं। गाइस ये रही मेरी चाय और अब यहाँ से हम लोग आपको दिखाते हैं बालकनी से पीछे का व्यू। कृपया थोड़ा साइड दे, वो सामने जो पहाड़ है वो है नेपाल, वो सामने वाला पहाड़ नेपाल है। और यही है ना, कौन सा लेक है? मिरिक लेक ना। और ये है गाइस मिरिक लेक जो यहाँ का सेंटर ऑफ ब्यूटी है। मतलब सुबह सो के उठो और आपको अगर ऐसा नज़ारा चाय के साथ मिल जाए तो क्या बात है, वाव। तो गाइस देखिए सबसे लेट उठने वाले बंदे हैं ये, इनका चेहरा देखिए जो सबसे लेट उठे हैं और अभी भी नहीं उठ रहे हैं ये, जो वहां से ऑर्डर हो रहा है क्योंकि हमारे रूम से इनका रूम डायरेक्ट दिखता है। देखो सब यहाँ पे उठ के क्यों रोहन जी, सोने में बहुत मजा आता है। तो चलिए जल्दी जल्दी वरना फिर हाँ आजकल आज ही को हम लोग यूज कर सकते हैं अच्छे से। बाहर का व्यू कितना अच्छा है, देखे नहीं देखे, जाके देखिए कितना। तो गाइज अभी हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, अभी हम लोग सुबह सुबह निकले थे राशन का सामान लेने के लिए क्योंकि होम स्टे में हम लोग को मिल गया है अपना किचन। तो अभी हम लोग आज का खाना वगैरह सारा कुछ ब्रेकफास्ट से लेके लंच से लेके डिनर तक सब कुछ हम लोग अपने किचन में बनाने वाले हैं। तो फिलहाल अभी आए हुए इस राशन की दुकान पे, यहाँ से हम लोग राशन का सामान सब ले रहे हैं और पीछे कुछ वेजिटेबल्स वगैरह ले रहे हैं। तो फिलहाल ये सब लेते हैं लेके फिर यहाँ से निकलते हैं। तो गाइज अभी ग्रॉसरी का सारा सामान लेने के बाद अभी हम लोग आए हुए हैं चिकन शॉप पे। तो एक्चुअली आज हम लोग का लंच में चिकन और फिश यही बनने वाला है। तो फिलहाल अभी चिकन और फिश ले रहे हैं, यहाँ से चिकन फिश लेके फिर अपने होम स्टे पे हम लोग जाएंगे और फिर आगे कार्यक्रम स्टार्ट करेंगे। कुकिंग करके आ गए और सबसे पहला चीज जो चढ़ चुका है गैस पे वो है एग। तो पहले एग बॉईल हो रहा है, सभी अंडा रख दिया टोटल? चलो ठीक है मामा इधर आइए। तो देखिए गाइस राशन में हम लोग क्या क्या लेके आए, ये प्याज, वो है टमाटर मतलब सब्जी का सारा आइटम, ये है नाश्ते के लिए चनाचूर वगैरह है, ये मसाला, ऑयल, पापड़, बिस्किट वगैरह सारा कुछ इसमें है। अभी मैं हम लोग हल्का फुल्का रेडी हुए हैं तो आपको भी दिखलाना चाहती हूँ कि जहाँ हम लोग होम स्टे किए हैं वहाँ पे किस किस तरह की फैसिलिटी है और हमारे जो बॉयज लोग हैं वो क्या कर रहे हैं। तो आपको ऑर्डर देने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा, स्पेशली आप घर पर भी आराम से बनाकर खा सकते हो। तो बॉयज जब सुबह गए थे तो सारा सामान लेके आए हैं और अब वो लोग क्या कर रहे हैं ये अब आपको दिखलाते हैं, ठीक है? तो चलिए और इसका आनंद लेते हैं, मजा लेते हैं कि वो लोग क्या कर रहा है नहीं कर रहा है। तो चलिए हम लोग जाके देखते हैं। देखो जहाँ पे हम लोग ठहरे हैं उसका व्यू कुछ इस तरह है और ये पूरा होम स्टे है, इसका नाम है होम स्टे। आप और जिसके अंदर जाएंगे वो रहा ये गेट के अंदर, और इस गेट के अंदर जाएंगे जो बड़ा सा यहाँ पर ना किचन दिया गया है। और अब चलते हैं इसके अंदर। तो वाव यहाँ बच्चे लोग हैं, यहाँ पर डाइनिंग टेबल्स, यहाँ पे डाइनिंग दिया गया है खाने पीने के लिए। और यहाँ पर देखिए आंटी क्या कर रही है, मछली धो रही है। तो यहाँ पे देखिए फिश लाया गया है, कौन सा फिश है ये? कतला मिल गया आप लोग को? तो यहाँ पर फिश फ्रेश हो रहा है, दो तीन पानी से फ्रेश होगा, आंटी फ्रेश कर रही है। और ये इधर अंडा फ्राई, अंडा बॉईल। तो यहाँ पर देखिए एक बर्तन भी तोड़ दिया गया है। अच्छा आप क्या कर रहे हैं? मैरिनेशन। ओ माय गॉड, तो यहाँ पर चिकन जो है मैरिनेशन हो रहा है। और यहाँ पर ये शेफ जी पहुँच चुके हैं यहाँ पर भी,
और यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट है, मतलब किचन में। और यहाँ पर मामा जी जो है यहाँ पे आटा गूंथ रहे हैं। मामा जी पूरा एकदम जोश। मामा जी क्या बोलना चाहिए, कैसा लग रहा है? कैसा एक्सपीरियंस है? तो मामा जी बहुत अच्छे से देखिए आटा को मिला रहे हैं। यहाँ पर आपको म्यूजिक सिस्टम भी दिया गया है, यहाँ पे टीवी है, म्यूजिक सिस्टम है, ताकि बच्चे लोग थोड़ा मस्ती करें, खाए पिए। यस, तो बच्चों लोग मन लग रहा है, मन लग रहा है तुमको बहुत ज्यादा? यस, तो बच्चों को भी बहुत मन लग रहा है। आपने देखा ही अंदर का व्यू। और यहाँ पर आपको छत भी एक दिया गया है, जहाँ पर आप अच्छे से कपड़ा वगैरह सुखा सकते हो, सब चीज कर सकते हो, मतलब कोई चीज की आपको दिक्कत नहीं होगी। लगेगा एटलीस्ट अपने घर पर ही हैं हम, जैसे घर पे सारा सामान रहता है वैसे ही लगेगा कि हम यहाँ पर हैं। और यहाँ की गार्डनिंग इतनी खूबसूरत है कि मैं आपको क्या बताऊँ, गार्डनिंग भी बहुत सुंदर है। अंकल का बिहेव भी बहुत अच्छा है, मतलब यहाँ पे होम स्टे करने के लिए आओगे तो अंकल आपको हर चीज का फैसिलिटी देंगे, ये आपको हम बता नहीं सकते। मतलब एटलीस्ट अभी जो हम लोग जहाँ पर रुके, हम लोग दार्जिलिंग गए, गैंगटॉक गए, सिक्किम गए, सब जगह गए, तो मुझे तो सबसे ज़्यादा भाई मेरे बहुत अच्छा लगा। फिलहाल मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाती हूँ। तो गाड़ी पार्किंग है, यहाँ पर गाड़ी पार्किंग किया गया है, सारी गाड़ी यहाँ पे खड़ी है। और यहाँ पर जैसे देख रहे हो सबका घर है, ये टोटल सबका घर है, होम स्टे, मतलब आप समझ ही रहे हो। आगे का भी हम रूट आपको ज़रूर दिखाएंगे, मतलब बहुत खूबसूरत है, मैं बता नहीं सकती हूँ आपको। गाइस, होम स्टे करने का मतलब इसीलिए था क्योंकि हम लोग जब बाहर पे बहुत सारा खाना खाएं, जिसको खाना अच्छा नहीं लगता है बाहर का, तो वो होम स्टे आके कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी चीज़ की फैसिलिटी मिलेगी, बस आपको कुछ सामान बाहर से खरीद के लाना है और आप घर में ही खुद बनाकर अपने हाथ से खा सकते हो, फ्रेश एकदम, अगर आपको बाहर का नहीं खाना है तो। इसीलिए अगर हम लोगों ने ये पूरी चीज़ आपको बताया है क्योंकि हम लोग ये चीज़ झेले, हम लोगों को कहीं का खाना अच्छा नहीं लगा। एटलीस्ट हम लोगों ने सोचा कि चलो जब इतने पैसे लग ही रहे तो कुछ पैसे और लगाकर होम स्टे ही करते हैं और अच्छे कम से कम फ्रूट तो मिलेगा हम लोगों को, फ्रेश फ्रूट तो मिलेगा। तो अभी लोग बॉयज लोग देखे ही मार्केट गए, सारा सब बगल में मार्केट है, आपको सब चीज मिलेगा, आप लाओ बनाओ। और यहाँ किचन में भी आपको सारे यूटेंसिल्स, जितने भी गैस चूल्हा, मतलब जितना भी जरूरत है, सारा बर्तन वगैरह सब मिल जाएगा। एक भी चीज आपको ऐसा नहीं होगी आप घर पे नहीं हो, घर पे ही लगेगा। तो गाइज, अगर हमारा ब्लॉग आपको अच्छा लगेगा तो इसको शेयर जरूर करना और एक दूसरे को हेल्प करना, ठीक है? हम लोग का काम, हम लोग यही सोच के हम लोग बनाएंगे वीडियो, ताकि जो भी यहाँ पे जो दिक्कतें हम लोग को हुई, ताकि दूसरे को ना हो, तो ठीक है। इसके लिए अभी हम लोग जा रहे हैं आना के पास, तब तक आगे देखो हम लोग क्या क्या करते हैं। हम आ चुके हैं किचन में और किचन में देखिए नाश्ता तैयार है, सारे लोग डाइनिंग में बैठ चुके हैं खाने के लिए। तो नाश्ते में क्या है, मैगी और अंडा। तो यहाँ पे नाश्ते पे है एग और मैगी, जो मैगी बिकी के थ्रू बनाया गया है। अरे वाह, यहाँ पर देखिए सब चीज है, आप लोग खाओ और रखो आराम से। तो पहले आपको दिखाते किचन में कौन कौन लोग क्या क्या कर रहे हैं। ये देखिए, ये यहाँ रोहन जी बना रहे हैं फिश। आप फिश बना रहे हैं ना रोहन जी, आपको फिश का डिपार्टमेंट है, तो फिश फ्राई बना रहे हैं रोहन जी। देखिए बहुत सारा फ्रेश फिश जो है वो फ्राई हो भी गया है और कुछ हो रहा है। और ये विक्की जी जो है, विक्की जी थोड़ी देर घूमिए। विक्की जी आपको क्या मिला है डिपार्टमेंट, अंडा छिलने का? मैगी तो खत्म हो गया है और अंडा छिला जा रहा है। डिपार्टमेंट मिला है अंडा छिलने का, तो मामा जी का डिपार्टमेंट है अंडा छिलने का, जो छिल रहे हैं। और भैया भी अपना नाश्ता कर रहे हैं। आप मटन बनाएंगे ना? मटन नहीं मिला? अरे तो मटन का यहाँ सिर्फ सैटरडे संडे को मिलता है, तो चिकन मिला है, तो भैया चिकन बनाएंगे। देखिए प्याज कटिंग हो चुका है, आटा भी गुथा चुका है, सारा अरेंजमेंट हो चुका है। तो फिलहाल गाइस अभी हमको भूख लग गई है सबको देख के, तो पहले जाते हैं नाश्ता करते हैं और फिर मिलते हैं। तो गाइस हम लोग भी आ चुके हैं डाइनिंग पे और अब खा के बताते हैं कि मैगी कैसा बना है। तो गाइस मेरे पति देव जी मैगी बना रहे हैं, वो खा के बताते हैं कि कैसा बना है। यहाँ से तो ज्यादा अच्छा बना है, मैगी बनाया भाई बहुत अच्छा। मैगी का कलर भी कितना खूबसूरत लग रहा है, मटर वटर डाला हुआ है पूरा, एकदम मेहनत बहुत अच्छा। फिलहाल खा लेते हैं, अभी का तो टेस्ट मजेदार, घर वाला टेस्ट मिला। अब आगे जो चीज़ जो बन रहा है वो भी घर वाला ही मिलेगा, तो फिलहाल खा लेते हैं।
कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है? बहुत ज्यादा अच्छा। मामी कैसा घर वाला फील हो रहा है? सब लोग काम में लगे हुए हैं और भाभी जो बर्तन धो रही है क्योंकि विक्की जो है इनके प्यारे देवर जी जो है प्यारे देवर जी जो काला कर दिए जला दिए थे बर्तन मैगी बना के वापिस करना है तो गाइज अभी जो है वो दोपहर के 1:30 बज रहे हैं और अभी आपको दिखाते हैं कि हमारे किचन का क्या हाल चाल चल रहा है। तो रोहन जी मछली बन गया आपका? मछली अभी फ्राई हुआ है, बना नहीं है। हाँ। हम लोग आलू दम बना रहे हैं। अच्छा आलू दम तो मामा जी का डिपार्टमेंट था पर नहीं नहीं मामा जी का डिपार्टमेंट था लेकिन मामा जी जो भी काम तो गाइस देखा आप लोगों ने किचन में कितनी मस्ती चल रही है, ये लोग कितना मजा ले लेके खाना बना रहे हैं और खिला रहे हैं, यहाँ पे देखने में भी बहुत मजा आ रहा है। तो फिलहाल अभी देखिए मौसम जो है वो पूरा चेंज हो गया है, अब एकदम कुहासा हो गया है यहाँ पे और ठंडी भी जो है वो बढ़ गई है, हर 5-5 मिनट पे यहाँ पे मौसम जो है फ्लक्चुएट कर रहा है। तो अभी देखते हैं इस मौसम से छत का नजारा क्या होता है, तो चलिए छत दिखाते हैं आपको। तो गाइस हम आ गए हैं अभी छत पे और देखिए छत का नजारा अभी कैसा है, और पीछे जो कपड़े देख रहे हो ये कपड़े मेरे ही है, आना ने वोमिटिंग कर दिए थे तो उसके सारे कपड़े धोके मैंने सूखने दे दिए हैं, और छत पे ठंड है बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, और यहाँ से कैसा नजारा दिखता है ना मैं आपको दिखाती हूँ अभी। गाइस यहाँ देखिए ये नदी में बोटिंग भी हो रही है, कुछ लोग यहाँ पे बोटिंग भी कर रहे हैं, और वो जो पीछे है वो नेपाल है, और यहाँ देखिए गाइस हॉर्स राइडिंग भी हो रहा है, बहुत लोग हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं यहाँ पे, और काफी भीड़ है यहाँ पे तो भाई बहुत सुंदर, और यहाँ लिखा हुआ है आई लव मिरिक, तो हो सकता है हम लोग खाने पीने के बाद हम लोग भी इस जगह पे जाए, ये टूरिस्ट स्पॉट लग रहा है, यहाँ पे बहुत भीड़ है, तो जब हम लोग का खाना पीना हो जाएगा तो हम लोग भी इधर लेक साइड घूमने चलेंगे। तो और भाभी लोग गई है थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर करने के लिए, तो वो लोग को आने देते हैं, तब तक हमारी चाय भी बन जाएगी, फिर चाय पियेंगे और फिर बहुत कुछ होने वाला है, तो सब जानने के लिए हमारे ब्लॉग में बने रहिए। यहाँ पे चिकन बन के रेडी है, लेकिन गाइस एक बात बताना चाहूंगी कि चिकन भी मटन से कम नहीं लग रहा है। तो ये रहे शेफ, शेफ बिट्टू जो है वो चिकन बना रहे एकदम मटन के स्टाइल पे, और मैं जो चिकन नहीं खाती हूँ बट ग्रेवी तो खाऊंगी, और बहुत लजीज लग रहा है देखकर। अच्छा कबाब खाते हैं ना? कबाब जैसा बना। और ये रहा रोहन जी, हटिए थोड़ा, राइस बन रहा है चिकन, यहाँ पे है रोहन जी जो है राइस बना रहे हैं, राइस स्पेशलिस्ट। मार्केट बताया है जहाँ पर बहुत ही अच्छे और कॉस्ट में आपको कपड़े मिलेंगे, दीदी ने भी बताया है जैसे कि बताया उन्होंने, तो हम लोग जाएंगे नेपाल बॉर्डर के पास है, हम लोग जाएंगे और देखेंगे कि वहाँ पर हम लोग के लायक मनपसंद चीज़ है या नहीं है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा चीज़ ऐसा है जो हम लोग यहाँ से नहीं ले जा सकते हैं क्योंकि हम लोग का लगेज ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, तो कोशिश करेंगे। लेकिन गाइस घर बहुत अच्छा लगता है, जैसे देखो कि हर घरों में फ्लावर्स ही फ्लावर्स है, और बहुत अच्छे से लोग अपने घर को डेकोरेट करके रखते हैं, हाँ डेकोरेट करके रखे हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं कि वो लोग आती है कि नहीं जाती है, ठीक है हम लोग मार्केट निकलेंगे थोड़ी देर में। देखिए गाइस ये हमारा चिकन बनके तैयार है, ये तो रेस्टोरेंट जैसा एकदम, पीछे कोई आया है, आग लगाने वाला है। कौन है? वाओ ये कितना क्यूट सा पपी है यहाँ पे, वाओ ठीक है। गाइस देखो यहाँ पर हम लोगों का खाना लग रहा है, और खाना बॉयज लोग सर्व कर रहे हैं, हाँ सर्व भी वही लोग कर रहे हैं, हाँ तो गाइस अब यहाँ ये आंटी का, और देखिए बॉयज लोग बेचारे सर्व भी कर रहे हैं यहाँ पर सबको खाना। अब हम लोग गरम गरम भाप निकलता हुआ चावल बहुत दिन खाने को मिला, कैसा लग रहा है सुरती? मामी गरम चावल का भाप कैसा लग रहा है? सलाद है तो गाइस अब भूख ये क्या बर्दाश्त नहीं होगा,
वहाँ। और पापा के लिए खाना लगना चाहिए, पापा का खाना लेके आ रहे हैं, तब तक वेट करते हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग का जो चिकन और जितना भी आइटम जो बनाने वाले थे वो सारा कुछ बनके तैयार हो गया है। सभी लोग डाइनिंग टेबल पे बैठ के खा रहे हैं। अभी आपको दिखाते हैं और उनसे रिव्यू लेते हैं कि कैसा बना है। तो गाइस देखिए यहाँ पे सभी लोग बैठ चुके हैं डाइनिंग टेबल पे, सब खा रहे हैं। अभी रिव्यू लेते हैं सारे आइटम का। तो कैसा बना है चिकन? लाजवाब बना है, मछली भी बहुत अच्छा बना, चिकन भी बहुत अच्छा बना। गाइस मैं बोलूंगी कि मैं तरस गई थी देवर का खाना खाने के लिए, तो हमारे पति देवर और फ्रेंड्स जो भी हैं वो याद दिला दिए। और अगर ये लोग इस तरह बना दे तो हमको लगता है आग लग जाएगा। और इन लोग के टक्कर में चाइना और चाहे वो दार्जिलिंग हो चाहे वो कोई भी हो, प्लॉप नंबर वन। चिकन तो खैर माइंड ब्लोइंग है ही इनका, तो देखे भी पानी और फिश भी बहुत अच्छा है दोनों। चलिए इधर इनसे पूछते हैं वेजिटेरियन कैसा लगा है पनीर? पनीर बहुत अच्छा बना है। मामी बताइए क्या क्या फैंटास्टिक है, क्लियर कीजिए। नंबर चिकन के बारे में पहले बोलिए। चिकन बहुत अच्छा, मछली बारे में? हाँ मछली, मछली भी अच्छा है। अच्छा है, चलिए ठीक है। तो फिलहाल अभी सभी को खाने देते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। आंटी से पूछते हैं, आंटी को क्या? आंटी तो मछली खा रही है। आंटी कैसा लगा मछली? बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत एकदम देवघर का याद आ रहा है, घर का पीना। गाइस लेडीज पार्टी जितना है वो सारे लोग खाना खा चुके हैं और अब बारी है इन जेंट्स की, जिन्होंने इतनी मेहनत करके हमें इतना टेस्टी खाना खिलाया है कि क्या बताएं। मतलब काश कि आप लोग टेस्ट कर पाते। चिकन एंड मछली दोनों बहुत बहुत टेस्टी था, लजीज था एकदम। ठीक है, तो अभी दिखाते हैं कि अब भाभी ये लोग को सर्व कर रही है। और ये मुजस्मा इस कारीगरी को मैं क्या नाम दूं? इसके हाथ कटवा लिए जाए। पीछे तो बोला गजब बना दिया। आज तक ऐसा चिकन नहीं खाया था, कोई बॉडी नहीं है। माइंड ब्लोइंग फिश भी, माइंड ब्लोइंग फिश अपनी जगह। ये देखिए ये चिकन, ये लोगों को मछली नहीं मिला। ये देखिए यही है चिकन जिसका तारीफ हो रहा है। यही प्याज नहीं मिला बाबा, प्याज का थोड़ा क्राइसिस है, प्याज को काट दीजिए। तो आप लोग खाइए, आप लोग तो रिव्यू दे दिए हैं, अब खाइए आप लोग आराम से। तो गाइस अभी बज रहे हैं रात के 8 और अभी छत पे लगा हुआ है फायर, तो हम लोग अभी जा रहे हैं आग के पास में। वो लोग आग जलाए हैं और वहाँ पे म्यूजिक चल रहा है, तो अभी वहाँ पे जाते हैं और ठंडी में आग का मजा लेते हैं। तो चलिए आप लोग को दिखाते हैं कि हम लोगों ने कहाँ पे लगाया है। मतलब बोल भी नहीं सकते, ऐसा हालत हो गया है। आप ही एक्सप्लेन करेंगे कल सुबह। फिलहाल अभी आपको दिखाते हैं कि हम लोग डिनर में क्या खा रहे हैं। देखिए डिनर में है आज ये रोटी है, ये चिकन है जो दिन में बना था, लजीज चिकन। ये मिठाई है, तो अब इसको खा लेते हैं। देखिए यहाँ पे नेहा जी खा रही है, भाभी जी खा रही है, यहाँ मामी जी खा रही है, बाकी सब लोग बैठ के हम लोग को देख रहे हैं। हम लोग डिनर कर लिए और बहुत अच्छा रहा सब कुछ, बहुत ही बेहतरीन शाम बीती है। और अब फिलहाल हम लोग जा रहे हैं सोने के लिए, क्योंकि गाइज अब हम लोग चल रहे हैं सोने के लिए और हम लोग करने वाले हैं अपने आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा आज का ब्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो दो मिनट लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं नए सफर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद।
Life lessons come one in a dozen. The other 11 get something from nothing. I sit here looking for an answer. Maybe the biggest question was in the last chapter.